एक बार दिल टूटने से बहुत डर जाते हैं कि कहीं हमारा दिल ना टूट जाए लेकिन अगर सामने वाला रोज़ दिल तोड़ा है आपका आपको हर्ट करके तो इससे बेटर है कि आपका एक बार दिल टूट जाए वो गट्स लोगों में नहीं आ पाता है उसका कारण क्या है उसका कारण शायद यही है कि वो समझते हैं हम ठीक कर लेंगे हम ठीक कर लेंगे हम अपने आप को ये कर लेंगे और इसीलिए वो इतना झुकने लगते हैं कि हर बात में उसकी हर बात में हाँ हाँ करने लगते हैं तो वो फिर लगता है कि ओके ये हमारे बिना रह नहीं सकता तो उसको सकते जैसे चाहे हम यूज कर तो हम सकते हैं हम जैसे चाहे वैसे यूज कर सकते हैं तो इसीलिए कहने का भाव और फिर हर बार वो पिंच होते हैं हम्म जब वो ऐसे कोई शब्द कहते तो हर बार उसको पिंच होता है तो इससे तो बेहतर है कि जब आप घर में हैं आप अपने घर के एटमॉस्फेयर को इतना सुंदर बनाओ क्योंकि फिर वो पिंच होता है तो नेगेटिव सोच चलती है शायद मैं ही ऐसी हूँ शायद मैं कर ही नहीं पाऊँगी लोग भी मुझे क्या कहेंगे अगर मैं तोड़ के चली गई तो लोग क्या कहें तो हम जो वाइब्रेशंस क्रिएट करके सारे घर के वाइब्रेशंस को नेगेटिव बना रहे हैं उसके बदले आप घर के अंदर बहुत सुंदर म्यूजिक रखो सॉन्ग्स बजाओ अर्थ सहित हो उस सॉन्ग्स को बजाइए आप देखो पॉजिटिव एनर्जी जब क्रिएट होती है तो जब व्यक्ति घर में आता है तो वो पॉजिटिव ऊर्जा के बीच में आ जाता है तो फिर वो आपको पिंच नहीं करेगा है ना उसको भी जरूरत है एक पॉजिटिव एटमोसफेयर क्योंकि जहां वो कार्य क्षेत्र पर है वहां सारा दिन इतनी नेगेटिव एनर्जी वो सोक कर रहा है सुख कर रहा है तो इसीलिए जब घर में आता है तो उसके और क्लिनजिंग ज़रूरी है लेकिन एक बात और है दीदी कि ठीक है कई बार बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं लेकिन सामने वाला अगर फिज़िकल लेवल के अब्यूज़ पे आ गया हो या बाकी और सारी चीज़ों के अब्यूज़ पे आ गया हो घर में भी उस का एक एक गर्लफ्रेंड है उसके साथ जिसके साथ वो लिव इन में है या वट बाहर भी उसने एक लड़की रख रखी है वो कई और लोगों के साथ भी फ्लर्ट कर रहा है क्योंकि उसको ये पता है कि जो मेरे साथ है वो तो मुझे छोड़ के कभी नहीं जाने वाली तो क्या उस जगह ज़रूरी नहीं है कि हम अपने आत्म सम्मान के लिए ज़िंदगी भर अपने आप को दोषी मानने से अच्छा है कि दुनिया हमें एक बार दोषी मान ले क्योंकि अगर हम रोज़ अपने आप को कोसते रहेंगे उससे बेटर है कि लोग हमें एक बार कोसते हैं कितने लव इन रिलेशनशिप्स है उसके कि जहां पर वो जाता है आता है फ्लर्ट करता है ये करता तो है तो नेचुरल है कि ऐसे वातावरण में रह करके इससे तो बेहतर होगा कि आप अपने आप को अलग कर लो ताकि उसको आपकी वैल्यू रियलाइज होगी आज नहीं तो कल क्योंकि आपने कभी गलत किया नहीं है तो इसीलिए जो है जब गलत हुआ नहीं गलत किया नहीं तो एक न एक दिन जब उसको सब तरफ से धोखा मिलेगा तब तो उसको आपकी ही याद आनी है क्योंकि दीदी आजकल लोग ना अपने आप को तोड़ने से नहीं डरते हैं लेकिन रिश्ता तोड़ने से डरते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि अपने आप को जोड़ जोड़े रखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको हाँ। जिंदगी कहीं ना कहीं अपने आप के साथ बितानी है हाँ, सही बात है बिल्कुल इसीलिए अगर इतना हो रहा है आपके साथ तो नेचुरल है कि एक बार टूट जाए वो ज़्यादा दुनिया भी कहेगी कि हाँ अच्छा हुआ क्योंकि सभी को मालूम है सभी देखते हैं किस तरह से फ्लर्टिंग कर रहे हैं तो सोचते हैं अच्छा हुआ hmm. तो इसीलिए अपने आप को हमेशा पॉजिटिव ऊर्जा से भर के रखो अपने आप को तोड़ने के बाद भी नेगेटिव सोचने के बजाय आप अपने आप को पॉजिटिव ऊर्जा से भर दो कि अब रियल मैं एक खुले आसमान में सांस ले पा रही दीदी आई थिंक लोगों को uh, इस बात से निकल आना चाहिए कि या निकलने की कोशिश करनी चाहिए पूरी पूरी राधा देंड बीग इन abusive रिलेशनशिप कि वो इंसान हमारी ज़िंदगी नहीं है ज़िंदगी एक बहुत बड़ा हॉरिजोन है वेरी वेरी बिग थिंग विच इज़ गिवन टू अर्स फ्राम गॉड कोई इंसान हमसे हमारी ज़िंदगी कैसे छीन सकता है बेटर है कि है। वो इंसान हमसे छीन जाए सही बात है या सो थैंक यू सो मच बिकॉज़ ये स्परिचुअलिटी एक हिम्मत देती है कि आप खुद अपने पैरों पे भी जी सकते Bilkul. हो आप ट्राई तो करो चलना बिल्कुल थैंक यू सो मच सो फ्रेंड्स अगर आप कोई भी ऐसे रिलेशनशिप में स्टक हैं जहाँ आपको ऐसा लगता है दैट द पर्सन डजेंट रिस्पेक्ट यू आई मीन ही इज टॉर्चरिंग यू मोर देन लेवल यू हैव इवन थॉट एनी काइंड ऑफ टॉर्चर इट इट इज नॉट नेसेसरी टू बी फिजिकल समाइम्स इट इज डन ऑन अदर लेवल ऑल्सो Even an emotional torture is a torture, or ditching you is even a torture. There are many varieties of it. Find it out. Are you meant for all these things? No. You are an extraordinary person. Try it. Find it out. And the organizations like Brahma Kumaris stand with you, beside you, for anything you require. Thank you so much. Om Shanti.